एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि पता है सबको, स्टार्ट हो चुकी है मेरी वन मार्क सीरीज और बहुत आप लोगों को पसंद भी आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं इसके लिए। अच्छा, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इको का एक और चैप्टर लेकर के आज आपके सामने आ गए हैं और वो है मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और लोगों को बहुत अच्छा पसंद भी आया है ना। जब आप अपना एक क्विक रिविज़न करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो जाएगा, क्योंकि वन मार्क क्वेश्चन और कहीं भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की नीड ही नहीं है। सब कुछ एंटायर हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें, तो चलते हैं अपने वीडियो की साइड पर, स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट को। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन मेड इन मनी। कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है मनी के ट्रांजेक्शन में? इट इज़ द इजिएस्ट वे, इट इज़ द सेफेस्ट वे, इट इज़ द चीपेस्ट वे, इट प्रमोट्स ट्रेड। तो ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा कुछ चीपेस्ट तो नहीं हो सकता, सेफेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, है ना। अच्छा, प्रमोट ट्रेड नहीं, ये है सबसे ज़्यादा इजिएस्ट वे, इट इज़ द इजिएस्ट वे, सबसे ज़्यादा सरल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सा है इसके अंदर? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सब तो पुराने हैं। पेपर नोट्स, क्या है? पेपर नोट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के बिहाफ पर इनमें से कौन सी अथॉरिटी करेंसी इशू करती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट अवार्ड नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ RBI को ही अथॉरिटी दी हुई है कि वो नोटों को इशू कर सकते हैं। ठीक है, योर आंसर्स नाउ, मूव टू नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज डन विदाउट यूज ऑफ मनी? देखो, पहले जैसे सिस्टम होता था ना, जहाँ पर मनी नहीं होता था, बहुत अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो पुराने टाइम पे मनी नहीं होता था, तो फिर हम क्या करते थे, वहाँ पर हम कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी यानी कि C2C एक्सचेंज होता था, है ना। जैसे माना आपको गेहूँ की ज़रूरत है और मेरे पास चने हैं, तो मैंने आपको चने दे दिए और आपने मुझे गेहूँ दे दी। ठीक है, हमने आपस में एक दूसरे के साथ उन कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर लिया, है ना। द एक्सचेंज थ्रू कॉमोडिटी इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, है ना, देर इज नो मनी। क्लियर? तो इसमें जो बार्टर सिस्टम है वो इसका आंसर है। बैंकिंग प्रोवाइड अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स? इनमें से कौन से अकाउंट में बैंक जो है वो हायर रेट से काम कराती है? तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए वो भी, तो बैंक हमको हायर रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करती, ज़्यादा रेट से इंटरेस्ट मिल जाता है हमको। ठीक है, बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट। अब जो हम ये डिपॉजिट करते हैं सब पैसे को बैंक में, बैंक उसका क्या करती है? तो बैंक सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ करती है किस चीज़ में? कीप एज रिजर्व सो डेट पीपल में विड्रॉ, मीट देयर रूटीन एक्सपेंसेस, एक्सटेंड लोन्स तीसरा आ जाता है। ये लोन को देने में, हमारे ही पैसे जैसे हमने डिपॉजिट किया बैंक में जो रुपया, बैंक उसका क्या करेगी? बैंक उसको ज़्यादातर दूसरे लोगों को लोन देने में उससे काम कर लेती है। समझ में आए? ऐसा नहीं है कि बैंक के पास हर वक्त रुपया भरा रहता है, बैंक हमारे ही पैसे को दूसरों को उधार दे देती है। जब हम उससे कॉल करते हैं अपने रुपयों के लिए, तो वो एक या दो दिन का टाइम लेकर के हमारे रुपये हमको वापस भी कर देती है। ठीक है, समझ गए आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। परसेंटेज पूछ रहे हैं भाई, परसेंटेज ऑफ देयर फिक्स्ड डिपॉजिट इज कैप्ड एज कैश बाय द बैंक्स इन इंडिया। कितना कितना परसेंटेज, है ना, अपने ही डिपॉजिट का कितना परसेंटेज कैश में रखते हैं बैंक, इंडिया की बैंक। देखो जैसे क्या है, क्या मतलब है इस लाइन का बता दें। कैश होता है ना बैंकों के पास, डिपॉजिट जो हम करते हैं, जैसे माना हमने 1,00,000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, बैंक उसमें से कितना रुपए अपने पास रखेगी और बाकी सारा लोगों को लोन में दे देगी, उसकी रेट पूछ रहे हैं ये लोग यहाँ पर। तो वो रेट होती है 15%। कितनी होती है? 15%। इसका मतलब अगर हमने 1,00,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं तो 15,000 तो गवर्नमेंट के पास होंगे, बाकी 85,000 वो एज अ लोन दूसरों को दे देगी। ठीक है, 15%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल होते हैं क्योंकि ये बैंक एज ए बैंक काम करते हैं। बाकी ट्रेडर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बाकी मनी लेंडर्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल पुअर लोगों को लोन देने के लिए। अभी इसमें से कौन सा नया जो चीज़ आ गई वो क्या चीज़ है? कोऑपरेटिव सोसाइटी पुराने हैं, ट्रेडर्स हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, ये है SSGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये रूरल लोगों को लोन दे देते हैं, ये खुद से बने हुए होते हैं, उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं ये लोग। इसमें 20-25 मेंबर्स होते हैं इनके, और खुद से ही यहाँ पर ये लोग सेविंग कर लेते हैं और उसी पैसे को इकट्ठा करके वो दूसरे लोगों को उसमें आपस में एक दूसरे को यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर देते हैं बहुत ही चीप एक रेट पर। ठीक है, सो योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। वाई इज़ द करेंसी एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज? करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे एक्सेप्ट क्यों किया गया? क्यों करते हैं, बाकी चीज़ों को क्यों नहीं कर लेते हैं? बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बहुत सिंपल सी एक चीज़ है, क्योंकि वो जो करेंसी जो हम सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस करेंसी को इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। ये जो नोट चल रहे हैं आपके यहाँ, अभी आपको कोई भी रुपये दे आप मना कर दोगे कि हम नहीं लेंगे? आप ले लोगे, तुरंत ले लोगे, है ना? अगर आपको उसके जैसा कोई और नोट बना के दे, कोई और कलर में दे दे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो तो वैल्यूलेस हो गया ना। इसलिए वो मनी जो ऑथराइज़ करती है हमारी गवर्नमेंट, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर हम कुछ भी जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, तो उन्हीं रुपयों की वैल्यू है जो हमारी गवर्नमेंट ऑथोराइज़ किया है। इससे पहले जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्या वो रुपीज़ की वैल्यू है कि इंडिया में जो बंद हो गए? नहीं है, है ना, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो क्या हो गया, वो हमारे लिए एक पेपर का टुकड़ा हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि अब वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। अब जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है वो अब हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, हु इशू द करेंसी नोट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट इंडिया में कौन इशू करता है? ठीक है, चले पढ़ेंगे। करेंसी नोट आर इशूड बाय द फाइनेंस कमीशन। ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक कैन इशू द करेंसी नोट, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू करेंसी नोट। सिंपल एक ही बात याद कर लें आप यहाँ पे, करेंसी नोट जो है वो इंडिया में सिर्फ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही इशू कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी बैंक और भी इशू करती हैं, लेकिन बिहाफ किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। तो ये होती है सिर्फ RBI। ठीक है, बैंक सेंट्रल बैंक के सहारे RBI ही यहाँ पर बैंक नोटों को या फिर करेंसी को इशू कर सकती है। योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। वाई डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विद वन दे एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर? क्या करती है अभी बताया था, बैंक क्या करती है उन डिपॉजिट्स का जो हम लोग कस्टमर वहाँ पर दे देते हैं उनको? क्यों? वो उससे लोन दे देती है लोगों को। तो बैंक यूज ए मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, बी पॉइंट लिखा हुआ है ना, उसका क्या करती है? उसका क्या करती है, बैंक यूज ए मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट, उन डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा पोर्शन, कितना पोर्शन? 15% पोर्शन वो लोन, वो 15% अपने पास रखती है, 85% जो पोर्शन होता है वो लोन को बढ़ाने में लगा देती है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक? इनकम, बैंक की इनकम क्या है? पहले हम समझा दें आपको क्या होता है ये, है ना, उसके बाद इसी में से हमें पॉइंट मिल जाएगा। बैंक की इनकम कैसे होती है, देखो, हमने बैंक में मनी डिपॉजिट किया, ठीक है, और एक बैंक से हमने लोन ले लिया, इन दोनों के रेट में अंतर होता है। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो जैसे एज्यूम कर लें कि अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमें 5% इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बैंक में लोन अपना डिपॉजिट रखा है तो 4% से पेड कर रहे हैं। 5 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1% का है। बस यही बैंक की इनकम होती है, समझ गए? चलो ढूंढ लेते हैं इसको। बी पॉइंट हमें दिख रहा है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम। क्योंकि चार्ज ज़्यादा होते हैं और डिपॉजिटर को उससे कम पेड करती है, यही जो डिफरेंस होता है यही बैंकों की इनकम होती है, समझ गए? एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट रिफर्स टू। एक एग्रीमेंट है ना कि हम फ्यूचर में आपका पेमेंट करेंगे, ये क्या चीज़ है,
है ना। तो इसका फ्यूचर में पेमेंट करने का मतलब क्या है कि अभी हमने इसका मतलब माल किस पर जा रहा, उधार पर जा रहा है। उधार को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। तो डेट, डिपॉजिट, क्रेडिट या फिर कॉलेटर, तो ये क्या हो गया, हमारा हो गया क्रेडिट। योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। विच बॉडी सर्विसेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स, इनमें से कौन सी बॉडी ये फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को देने करने का काम करती है या सुपरवाइज करती है सबको, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेड ऑफिस ऑफ ईच बैंक, रिजर्व बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो रिजर्व बैंक जो है वो सारे ही बैंकों को सुपरवाइज करने का काम करता है, ये तो बैंकों का बैंक है, ठीक है। कौन सा, आरबीआई। नेक्स्ट देखो, मनी लेंडर यूजली डिमांड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर। मनी लेंडर जो है ना बोरोवर से एक सिक्योरिटी, यानी कि उसे आपने लोन लिया तो उसके बदले का कुछ भी उसको गिरवी जैसा रखो। तो व्हाट इज़ द फॉर्मल वर्ड यूज फॉर द सिक्योरिटी सच एज लैंड, व्हीकल, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, इन सबको क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है। इस सिक्योरिटी का एक फॉर्मल वर्ड होता है, उसे हम कहते हैं कोलेटरल। क्या कहते हैं, कोलेटरल। जब जब हम किसी से लोन लेते हैं उस लोन के बदले में हम कोई भी चीज़ सिक्योर रख देते हैं। जैसे हमने लोन दिया है ना, लोन लिया हमने बैंक से, तो हमने उसको अपना घर दिखा दिया, घर को हमने कोलेटरल रख दिया, माने कि अगर हमने उसका लोन पेमेंट नहीं किया बैंक का तो फिर जो हमारा घर है वो उसका हो जाएगा। तो जैसे गिरवी रखते हैं ना चीज़ों को, उसके बदले में आपको रुपये मिलता है, ऐसे ही सेम ये होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कोलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलेटरल। सॉरी। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, इन सब में सबसे ज़्यादा चीप कौन सा है रूरल एरियाज में, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स या फिर फाइनेंस कंपनी। तो जो भी हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीप है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट, इन विच कंट्री इज़ द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल, किस कंट्री में है सबसे ज़्यादा ग्रामीण बैंक है, ठीक है, क्रेडिट नीड फॉर ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल को ये लोग क्या क्रेडिट दे देते हैं, तो ये बांग्लादेश में है। कहाँ पर है, बांग्लादेश में। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजली हैज़, एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग कितने मेंबर होते हैं, तभी हमने बताया था 15 से 20 मेंबर होते हैं इसमें, कितने होते हैं 15 से 20 मेंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल कोर्स सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें से कौन सा इनफॉर्मल नहीं है, मनी लेंडर इनफॉर्मल होते हैं, रिलेटिव फ्रेंड्स इनफॉर्मल होते हैं, कॉमर्शियल बैंक इनफॉर्मल नहीं होते हैं, बैंक होते हैं क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर है। बैंक सारे कैसे होते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर होते हैं बैंक्स, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, 22। हु इशू द करेंसी नोट इन इंडिया, अभी बताया था, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन इशू करेंसी नोट। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कौन इशू करेगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई, ठीक है। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट, विद जो भी डिपॉजिट उनके पास आते हैं बैंक उसका क्या करते हैं, बैंक उसका एक मेजर पोर्शन अपने लोन को एक्सटेंड करने में यूज कर देते हैं। पॉइंट नंबर बी, योर आंसर्स, मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए बैंक, तो जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, जो डिपॉजिटर से लेते हैं और या फिर बोरोवर से होता है, उसमें उसका जो डिफरेंस होता है वही उसकी इनकी बैंक की इनकम होती है। पॉइंट नंबर बी, एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस और फ्यूचर पेमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट, उसे क्या कहते हैं हम, क्रेडिट। मूव टू नेक्स्ट, विच बॉडी सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स, सारे फॉर्मल सोर्स की फंक्शनिंग को कौन सुपरवाइज करता है, आरबीआई, ठीक है। मनी लेंडर यूजली डिमांड सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर, व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड यूजली सिक्योरिटी के लिए, वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, कोलेटरल्स यूज़ करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी चीपेस्ट सोर्स, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट सोर्स कौन सा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। योर आंसर्स, नेक्स्ट, विच कंट्री इज ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल, बांग्लादेश में है। अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजली है, कितने मेंबर्स होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स, इसीलिए हमने दोबारा कर दिया कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।
और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इनमें से कौन सा नहीं, कॉमर्शियल बैंक। वाइज करेंसी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया हुआ है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, विच वन इज द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, तो कोलेट्रल का मतलब क्या है, एक एसेट होती है ऑफ द बोरोवर यूज्ड एज गारंटी टू द लेंडर, लेंडर को गारंटी देना कि भाई हमने जो लोन लिया है आपका वो लोन हम जरूर से पूरा कर देंगे। तो ये समझ लो एक गारंटी, ये गारंटी का एक मीन हो गया कि अगर हम नहीं पेड करते तो भाई ये हमारी चीज़ आपकी हो जाएगी, वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा कोलेट्रल। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, कौन सी होता है, पेपर नोट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू रूरल पुअर पर्टिकुलरली वुमेन, वुमेन को सबसे ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा है, वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इनफॉर्मल सोर्स क्रेडिट रूरल एरियाज, कौन से होते हैं ये, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स या फिर मनी लेंडर्स। तो यहाँ पर रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा कौन काम करते हैं, मनी लेंडर्स काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द सिस्टम इन विच द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इफ विच एसेंशियल फीचर, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए, माने आपको भी जो चाहिए वो और हमारे पास भी वही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर संयोग, डबल कोइंसिडेंस मीन्स क्या होता है, संयोग मिलना चाहिए कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो हमारे पास है, जो हमें ज़रूरत है वो आपके पास है। ठीक है, तो ये कब होता था, जब हमारे पास रुपए नहीं थे, जब पेपर नोट नहीं था, जब करेंसी ही नहीं थी, तो उस टाइम पे कौन सा सिस्टम था, उस टाइम पे था बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश वाज स्टार्टेड, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश कब बना, वो बना था 1970 में, कब बना था, 1970s में। इन एस जी मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय, कौन लेता है लोन एक्टिविटी, भाई लोन कैसा होगा क्या होगा, तो उसके मेंबर्स ले लेते हैं, कौन लेता है मेंबर, क्योंकि उन्हीं से मिलके बनता है, उसके मेंबर्स ही सारे डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक होती है जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं होते हैं। इन विच कंट्री, ग्रामीण बैंक मीटिंग क्रेडिट नीड्स, बांग्लादेश है। विच इज़ नॉट मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द रूरल एरियाज, तो वो ट्रेडर्स होते हैं इन इंडिया। आगे चलते हैं, व्हाट पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट आर कैप्ट ऑन बैंक, बैंक में कितना पोर्शन रखेंगे हम, 15%, बाकी सारे क्रेडिट पर उठा देंगे। विच हाउस होल्ड टेक मोर लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, इनमें से कौन सा हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा लोन लेता है, तो पुअर हाउस होल्ड एंड रिच आउट होल्ड, वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, पुअर हाउस होल्ड एंड वेट ऑफ वेल ऑफ हाउस होल्ड, वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड रिच हाउस होल्ड। सबसे ज़्यादा जो लोन लेते हैं वो ये लोग लेते हैं, वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड रिच हाउस होल्ड, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। विच अमंग दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का सबसे एक अच्छा एसेंशियल फीचर कौन सा है, मनी कैन ईजीली एक्सचेंज एनी कॉमोडिटी। ठीक है, मनी कैन ईजिली एक्सचेंज एनी कॉमोडिटी, मनी से हम किसी भी कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे चलें, विच वन ऑफ द फॉरेन इज द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द रिच हाउस होल्ड, तो वो फॉर्मल से लेते हैं, रिच हाउस होल्ड होते हैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट वो कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एम्प्लॉयर्स, कमर्शियल बैंक नहीं, स्टेट बैंक नहीं, एम्प्लॉयर्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर कौन नोटों को इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजेंसीज हैं ये। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मनी लेंडर्स, कोऑपरेटिव, एम्प्लॉयर्स या फिर फाइनेंस कंपनी, कोऑपरेटिव्स होते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल लोन्स फॉर पुअर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया? कॉमर्शियल बैंक्स इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है, ये तो फॉर्मल सेक्टर है ना, बैंक है इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी? डिमांड डिपॉजिट है, पेपर करेंसी है, कॉइन्स हाँ, प्रीसियस मेटल अब नहीं आते, प्रीसियस मेटल नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनमें से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स, तो इसमें कौन सा आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। हु हेल्प द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल? अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है, इट मीन्स आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको लोन कैसे मिलेगा? तो ये कौन हेल्प करता है आपकी? तो हमारी हेल्प करते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप SSGs, ये वो हेल्प करते हैं। यहाँ पर कोलेटरल रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मीन्स यहाँ पर गिरवी रखने के लिए किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इनमें से मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी नहीं है, कौन सा? पेपर कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट, सिल्वर कॉइन्स, नन ऑफ अबव। सिल्वर कॉइन्स आंसर है इसका, सिल्वर कॉइन्स, ये तो पता ही है ना, सिल्वर कॉइन इस टाइम पे ऐसे फॉर्म में नहीं चलते हैं, तो सिल्वर कॉइन्स नहीं है। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में क्या आता है? बैंक्स, बैंक्स ही आती हैं भाई, मनी लेंडर एम्प्लॉयर नहीं, सिर्फ बैंक्स। फर्स्ट फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बैंक्स आ जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर्स एज कम्पेयर टू डेट चार्ज बाय बैंक, मनी लेंडर जो रेट चार्ज करते हैं इंटरेस्ट की, वो बैंकों के कंपेरिजन में कैसी होती है? कम होती है, सेम होती है, स्लाइटली हायर होती है, या फिर मच हायर होती है? वो मच हायर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो मनी लेंडर रेट चार्ज करते हैं वो उनके बैंकों के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, पर उन लोगों की मजबूरी होती है उन लोगों से लेना, इसलिए वो लेते हैं। विच स्टेट अकाउंट फॉर मैक्सिमम परसेंट ऑफ SSG? SSG सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है अपने यहाँ? आंध्र प्रदेश में, वहीं पे शुरुआत भी वहीं हुई थी, तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं 59, हु सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर में क्रेडिट एक्टिविटी को कौन देखता है? है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, मनी लेंडर्स, नन। तो इन तीनों में से तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब नन है। ठीक है, एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग यूज अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी? पेपर मनी के अलावा कौन सी मनी और सबसे ज़्यादा है जो हम यूज़ करते हैं? वो है कॉमोडिटी मनी, मेटलिक मनी, प्लास्टिक मनी। आंसर आ जाता है इसमें प्लास्टिक मनी, यानी कि आपका ATM, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं। करेंसी इज इशूड इन इंडिया बाय, करेंसी जो इशू होती है इंडिया में वो कौन करता है? RBI करता है। कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स विद अ बैंक कीप विद इट्सेल्फ इज कैश, इज ये क्या है? स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन जो है वो अपने पास रख लेता है, बाकी सारा वो एज अ लोन दे देता है। सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, उसे हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। लास्ट आ जाता है आज का ये MCQs का लास्ट क्वेश्चन, मनी। मनी क्या है? एस्टिमेट, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, एक्ट एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, एक्ट एज ए स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, ये तो तीनों ही इसमें आते हैं, इसका मतलब ऑल द एबव। ठीक है, मनी के अंदर ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। योर आंसर्स नाउ ट्रू एंड फॉल्स। मनी एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, सही है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि मनी एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को इसने यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। बढ़िया, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड इज अ प्रॉपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम इट हैज़ बीन मेड, जिसका नाम उसमें लिखा हुआ होता है ना। तो क्रेडिट कार्ड इज ए प्रॉप पेपर इंस्ट्रक्टिंग द नोट, नहीं ये तो गलत है, फॉल्स है ना।
ये तो चेक है, अगर हम क्रेडिट कार्ड ये लिख देते हैं तो ये तो चेक हो जाता है, चेक है, चेक विच इज ए पेपर इंस्ट्रक्शन टू द बैंक, वो चेक होता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको इस पर्सन को पेमेंट करना है, उसका नाम लिखा रहता है, वो क्या चीज़ होती है, वो क्रेडिट कार्ड नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चेक, फॉल्स है ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव। इनफॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड होते हैं लोन फ्रॉम बैंक, बैंक में इनफॉर्मल सेक्टर नहीं होते हैं, ये तो फॉर्मल होते हैं, फॉल्स है, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर में तो जैसे मनी लेंडर हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, ये इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। रिच हाउस होल्ड लार्जली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, रिच हाउस होल्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं, नहीं, फॉल्स है, वो तो बैंक से ज़्यादातर लोन लेते हैं जो रिच होते हैं। इन फॉर्मल सेक्टर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, फॉर्मल सेक्टर में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ये भी आपका गलत है, अभी बताया था हायर रेट ऑफ़ इंटरेस्ट उधर चार्ज किया जाता है जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं, इन लोग फॉर्मल सेक्टर में तो कम किया जाता है, पर यहाँ फॉर्मेलिटी बहुत होती है ना, इसलिए लोग थोड़ा घबराते हैं। इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, नहीं भाई क्रॉप के लिए चाहिए रहता है ना उनको, तो द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। इंक्लूडिंग सेविंग हैबिट इन कम्युनिटी इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सही है हाँ, कि सेविंग हेल्प हैबिट को बढ़ाना ये SSG का मेन एक समझ लो उद्देश्य होता है, तो हाँ ये होता है, ये सही है इनका। योर आंसर्स पढ़ लो अपने अच्छे से, स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम आगे चलें, चल FIB पे चलते हैं। तो इम्प्लाई द डायरेक्ट एक्सचेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज किस में होता है, बार्टर सिस्टम में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाई पीपल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन रीपेमेंट ऑफ डेट्स, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसे हम खरीद सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, तो वो सिर्फ क्या है, वो है सिर्फ मनी, तो मनी मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग। इन इंडिया द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ, है ना, लॉ आ गया था कि यूज़ ऑफ क्या चीज़, यूज़ ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट, इट कैन नॉट बी रिफंड इन सेटिंग ऑफ सेलिंग ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, रुपी, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड्स, जब मनी यूज़ होने लगा तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वर्ड्स की जो प्रॉब्लम होती थी वो सारी के सारी यहाँ से रिमूव हो गए। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, विचार, क्या है भाई विचार, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, एक तो पेपर नोट्स हैं हमारे पास और क्या होते हैं, और कॉइन्स हो जाते हैं। हेल्प, नेक्स्ट पढ़ते हैं 6, हेल्प इन द पूलिंग द सेविंग ऑफ देयर मेंबर्स हु आर पुअर वुमेन टू मीट देयर क्रेडिट नीड, सिंपल है, SSGs हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प इन द पूलिंग द सेविंग्स, है ना, यहाँ पर अपने मेंबर्स में सेविंग करने की आदत को और एनहेंस करते बढ़ाते हैं। द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज ब्लैंक फॉर द रिचर हाउस होल्ड एज कम्पेयर टू द पुअर हाउस होल्ड हायर, द शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउस होल्ड, है ना, एज कम्पेयर टू, पुअर लोग कम लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से लोन, रिच लोग ज़्यादा लेते हैं उधर से लोन। एबसेंस ऑफ एज ए गारंटी, गारंटी किसकी होती है, कॉलेट्रल की, बिल्कुल ऐसी, मतलब थोड़े थोड़े एक एक वर्ड पढ़ के भी आपको ये समझ में आ जाएंगे, गारंटी किसकी होती है, कॉलेट्रल होता है, तो एबसेंस ऑफ कॉलेट्रल एज ए गारंटी इज ए मेजर कॉज डेट प्रिवेंट पुअर पीपल फ्रॉम ऑप्टेनिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर सोर्स, एक ये क्वेश्चन बन सकता है ना कि फॉर्मल सोर्स से पुअर पीपल क्यों नहीं लेना चाहते लोन, क्योंकि उनके पास कॉलेट्रल नहीं होते, भाई उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो वो क्या रखेंगे, क्या दिखाएंगे बैंक को, है ना, इसलिए वो किससे ले लेते, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं जहाँ पर कॉलेट्रल की कोई नीड ही नहीं होती, भले ही वो वहाँ पे महंगा मिलता है उनको, है ना, लेकिन उनके पास कॉलेट्रल ही नहीं होता और बैंक को तो कॉलेट्रल चाहिए, ठीक है ना, तो क्योंकि वो फॉर्मल होती है पूरी तरह के, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनफॉर्मल में, इसलिए वो लोग इनफॉर्मल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई उनकी मजबूरी होती है, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, सही है, चल आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द
अकॉर्डिंग टू द क्राउथर कैन बी डिफाइंड, ये क्या चीज़ है भाई, तो मनी कैन, मनी को डिफाइन किया था क्राउथर ने। अब इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन है भाई, सेंट्रल बैंक यानी कि RBI इन केस ऑफ इंडिया, है ना, वही मॉनेटरी सिस्टम को देखता है इंडिया के। करेंसी यानी कि कॉइन्स एंड नोट इज अ, ये तो ये क्या है, इज अ लीगल टेंडर मनी, क्या है ये, लीगल टेंडर मनी विच कैन नॉट बी रिफ्यूज इन पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द डिपॉजिट इन बैंक विच आर पेएबल ऑन डिमांड आर कॉल्ड, जो डिपॉजिट है बैंक में जो पेएबल होता है डिमांड पर, से हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के जब आप डिमांड करेंगे तभी वो आपको पैसा दे दिया जाएगा, इसलिए उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। 13th इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्री टू लेंड अ बोरोवर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्या है ये, ये क्रेडिट है, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एक एग्रीमेंट होता है जो बोरोवर देता है, ठीक है, और जब एक पीरियड आएगा तब उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फीचर ऑफ, कम रेट का इंटरेस्ट है, कहाँ पर होता है, ये होता है फॉर्मल क्रेडिट में। इंक्लूड डिटेल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये किस में लिखे रहते हैं, ये हैं हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट को लेने के रूल्स हैं, ये कौन कौन से रूल हैं, ये चारों रूल आपको याद होने चाहिए, इंटरेस्ट रेट कोलेट्रल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट चार है। द सिचुएशन व्हेन इट बिकम इम्पॉसिबल टू रीपे द लोन एंड बोरोवर एल्ट ऑन अ न्यू डेट टू पे द एग्जिस्टिंग वन इज नोन, उसे कहते हैं डेप्ट ट्रैप। एक सिचुएशन जब आप लोन को रीपे करने में असमर्थ हो जाते हो और एक नया डेप्ट उसके ऊपर बन जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप में लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो लोन पेमेंट नहीं कर पाते, तो लोन के ऊपर लोन, लोन के ऊपर लोन, है ना, इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट बनता चला जाता है और इतना ज़्यादा लोन हो जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत दूर की चीज़ है, आप उसका इंटरेस्ट भी पेड नहीं कर पाते हो, तो वो जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे डेप्ट ट्रैप की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, वन लाइनर देख लेते हैं कुछ। व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, तो पता ही है कि 8 नवंबर 2016 को हुआ था, करेंसी नोट बंद कर दिए गए थे 500 के, 1000 रुपीज़ को डिक्लेयर कर दिया था गवर्नमेंट ने कि ना अब ये यहाँ पर हमारे लिए मान्य नहीं है यहाँ पर, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। लिस्ट वेरियस वेज थ्रू विच डिजिटल ट्रांजेक्शन आर मेड, डिजिटल ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, कुछ भी वेज के नाम बताने हैं हमको, जैसे ATM कार्ड है, मोबाइल फ़ोन है, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, इसको कहा जाता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के कुछ कारण, तो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश की को कम करने के लिए, है ना, कंट्रोल प्रॉपर और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने इसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि कैश कम हो जाएगा, कम से कम वहीं से वहीं ट्रांजेक्शन कर दिया करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, अभी बताया था डबल कोइंसिडेंस वन मीन्स क्या होता है, कि जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास है वो हमारे पास होना चाहिए, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, तभी एक्सचेंज हो पाएगा। व्हाट इज मेंट बाय बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर डायरेक्टली गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर दिया जाता है, वो जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। मनी क्या है, डिफाइंड मनी, मनी जानी थी, है ना, और विच हैज़ कॉमन एक्सेप्टेबल वैल्यू, उस मीडियम में एक्सचेंज स्टोर वैल्यू होती है तो वो मनी हो जाता है। वाई इज़ द मनी कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि मनी से हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, उसके बदले में कोई मना नहीं करेगा उसको लेने के लिए, है ना, कोई भी उसको लेने के लिए मना नहीं करेगा, इसलिए उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। वाट ऑब्जेक्ट्स आर यूज एज मनी इन इंडिया बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन से पहले क्या था भाई, है ना, कॉइन से पहले क्या था, फूड ग्रेन्स कैटलिस्ट टाइप की चीज़ों को किया जाता था। विच मेटल आर यूज फॉर मेकिंग गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, पहले तो गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, ये सारे बनते थे पहले। बहुत सही क्वेश्चंस हैं एकदम, पूरा एंटायर चैप्टर यहाँ कवर हो गया है, कुछ नहीं रह गया आपके को चैप्टर में।
सब कवर कर दिया हमने एक बार में, आपको किसी भी बुक की या किसी मॉडल पेपर की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिव द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मनी के मॉडर्न फॉर्म, तो ये तो वो आ गए आपकी करेंसी, पेपर नोट, प्लास्टिक मनी आ गई, ठीक है। आ जाते हैं द मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है क्योंकि ये ऑथराइज्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑथराइज कर दिया है। व्हाई वन कैन नॉट रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन एमपी इज इन इंडिया, क्योंकि रिफ्यूज़ नहीं कर सकते आप रुपीज़ इन इंडिया, एमपीज़ नहीं है सॉरी, रुपीज़ इन इंडिया है बिकॉज, क्योंकि ये तो ऑथोराइज है तो आप इसको मना ही नहीं कर सकते लेने से, आपका आप कहें कि हम नहीं लेंगे ये रुपये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप मना नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑथोराइज़ किया है, ठीक है। डिफाइन ए बैंक, बैंक क्या होता है, तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर हम रुपयों को डिपॉजिट करते हैं और अपने अगर अपने अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए वहाँ से हम लोन ले भी सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो डिपॉजिट हमने बैंक में किया है वो हम चाहे जब डिमांड करेंगे तब वो हमको हमारे पैसे वापस कर देंगे, तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है। व्हाट इज अ चेक, ये भी चेक भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा रहता है उसमें बता देते हैं हम कि भाई ये इस पर्सन को इतने रुपये पेड कर दिए जाएँ जिसके नाम पर वो इश्यू किया गया है। वॉट डिटरमाइंस द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक, बैंक का मेन सोर्स इनकम बताया था ना अभी इससे पहले भी, जो डिफरेंसेस होते हैं दोनों डिपॉजिट के बीच में, जो वो देता है हमको वो और जो वो लेता है हमसे वो, वही बैंक की इनकम होती है, ठीक है। डिफाइन क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट होता है या फिर लोन होता है, ये भी एक एग्रीमेंट होता है में लैंडर और बोरोवर दो लोग होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट हो जाता है कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं और कितने रेट से आप इंटरेस्ट को पेड करेंगे। फॉर वाट पर्पज़ क्रेडिट इज़ मेनली डिमांडेड इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये ना उनको क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए रूरल एरियाज़ में लोन की नीड होती है ना, और फार्मर्स के पास इतने रुपये नहीं होते हैं इसलिए वो यहाँ पर लोन लेना पसंद करते हैं, प्लस उनके पास कोई कोलैटरल भी नहीं होता है तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पसंद करते हैं। योर आंसर्स, ठीक है। नाउ लास्ट, योर लास्ट पेज, इस वीडियो का लास्ट पेज, व्हाट आर द मेन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताया था, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है मेन चार हैं, ये चारों आपको नाम पता होने चाहिए इसके। एक तो इंटरेस्ट रेट, कितने इंटरेस्ट का रेट लगेगा, है ना, रेट इंटरेस्ट क्या है, कोलेटरल क्या रखा जाएगा जब आप लोन ले रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कितने ज़रूरत है उसमें, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो, और मोड ऑफ रीपेमेंट, जब आप पैसे वापस करेंगे तो वो आप किस तरीके से करेंगे, ये होते हैं हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना। विच आर द टू मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मल लोन फॉर रूरल हाउस होल्ड, तो एक बैंक होते हैं, एक कोऑपरेटिव्स होते हैं जो रूरल हाउस होल्ड को लोन प्रोवाइड करा देते हैं। हु सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स, कौन देखता है इन सबके फंक्शनिंग को, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI बैंकों का बैंक है तो वही सुपरवाइज करता है। वाई आर बैंक अनविलिंग टू लैंड लोन टू स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स को बैंक लोन नहीं देना चाहते क्यों, कि एक सीधी सी बात है, देखो भाई बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है तो बैंक टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से, यानी कि कोलैटरल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, छोटे फार्मर्स के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, जब नहीं होती है तो इसलिए बैंक उनको लोन नहीं देना चाहती क्योंकि वो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाते हैं, डेट्स वाई। आगे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर ए कंट्रीज डेवलपमेंट, है ना, कौन सा क्रेडिट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है, कि अगर चीप है, ज़्यादा चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट, ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर देता है। बिसाइड्स बैंक व्हाट आर द अदर सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम विच द स्मॉल फार्मर बोरो, अच्छा बैंक के अलावा और स्मॉल फार्मर्स कहाँ से बोरो करते हैं, तो अभी यही बता रहे हैं ना हम आपको बार बार कि वे बैंक से नहीं ले पाते हैं, बैंक से नहीं ले पाते तो कौन दिखता है, मनी लेंडर्स होते हैं, SSGs होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स ना, ये सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर्स जो भी होते हैं वहाँ से वो आराम से ले सकते हैं ना, क्योंकि कोलैटरल नहीं होता उनके पास ना, तो वो लोग वहाँ से ले लेते हैं। वॉट आर SSGs, बहुत सिंपल है, SSGs क्या है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, 15 से 20 लोग आराम से इसमें मेंबर्स होते हैं और मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं, छोटे छोटे सेविंग्स वो वहाँ पे अपनी इकट्ठी करते हैं और जिसको नीड होती है उसे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो उसे वो सारा का सारा पैसा दे देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ना वो लोग अपने अंदर सेविंग की हैबिट को इंक्रीज करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर द स्टॉक ऑफ मनी कंसिस्ट ऑफ, तो
स्टॉक क्या है मनी का, देखो वो ऐसी करेंसी जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो स्टॉक ऑफ मनी निकल आएगा एक बार में, जो एक पूरी कंट्री में है। क्या चीज़ें, जितना पैसा लोगों के पास है और जितना डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है, दोनों को हम ऐड कर दें आंसर आ जाएगा। आगे देखें, हु इश्यू द करेंसी नोट्स इन इंडिया, वही बार बार बता रहे हैं हम लोगों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI होती है जो मेन है, उसके बाद उसके बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ऑन विच पर्पज आर ए मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक यूज्ड, किसके लिए बैंक अपने पैसे को यूज़ कर सकती है, तो बैंक सिर्फ अपने लोन को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि दूसरे लोगों को लोन देने के लिए अपने रुपयों को यूज़ कर सकती है। योर आंसर्स, आई थिंक आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर बहुत सारा एकदम पूरा हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी सी से हो जाएंगे, उसी को डिटेल कर लेते हैं आप लोग, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोशिश भी ना करें उसको एक्स्ट्रा लिखने के लिए, ठीक है, सारा चैप्टर कवर हो गया, आंसर आपके सामने है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके इको के लास्ट चैप्टर के साथ में। ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।